Hello everyone, good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Yes, audibility absolutely fine. We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. Guys, sabhi log mujhe dekh pa rahe hain, sun pa rahe hain, ba confirmation denge. Sabhi log mujhe dekh pa rahe hain, sun pa rahe hain, ba confirmation do yaar. Yes, audibility absolutely fine to each and everyone. इंडिया के बेस्ट एजे इलेक्ट्रिकल सेशन में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है, जिसको बेस्ट आप लोगों ने बनाया है, आपके प्यार ने बनाया है. गाइस, पिछले दो साल के अंदर अंदर जितने भी हमारे जेई के एग्जाम हुए हैं, चाहे डी ट्रिपल एस बी हो या डी एफ सी सी आई हो, आरबीओ एनएल हो, आर एस एम डबल एस बी एस एस सी जेई हो, एनएचपीसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, सिटी बोकारो हो या राउरकेला या मध्य प्रदेश सब इंजीनियर हो, महाट्रांसो का पेपर हो या यूपी मेट्रो का पेपर हो, इन सभी एग्जाम में आपको मेरे इन्हीं सेशन से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले हैं. गाइज, मेरा क्लास हर दिन रहता है, दिवाली हो या दशहरा, ईद हो या क्रिसमस हो या न्यू ईयर हो, हर दिन मैं आप लोगों को यहाँ पर मिलता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने अवेलेबल रहता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से. गाइस, और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि डेली हम लोग यार 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक मिलते हैं, जिस 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक के बीच में, 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम लोग मिलते हैं बेहतरीन इंडिया के अदर जेई एग्जाम्स के लिए. अदर मतलब कोई भी जेई एग्जाम, चाहे वो स्टेट का हो या कहीं से भी आया हुआ, जैसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल पीएससी है या फिर एपीडीसीएल या ओपीडीसीएल या पीजीसीआईएल, कोई भी एग्जाम हो गाइस, या महाजैन को एजेई हो. और गाइस, 5 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक हम लोग वापस से मिलते हैं, और 5 से 6 हम लोगों ने भी रिसेंटली आरआरबी जेई और एसएससी जेई के फाउंडेशन क्लासेस को स्टार्ट किया है. गाइस, मैं वादा करता हूँ, डे 1 से जब मैंने आपको बोला था और आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक, मोहित सर हमेशा यहाँ पर एज इट इज टिके रहेंगे. और जब मोहित सर हमेशा यहाँ पर एज इट इज टिके रहेंगे, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि द थिंग इज कि द बेस्ट थिंग, जो बेस्ट पार्ट है यहाँ पर वो ये है, और जो बेस्ट पार्ट यहाँ पर है वो ये अवेलेबल है कि भाई 5 से 6 जब हम मिलते हैं, तो रेलवेज और एसएससी जेई के मस्त तरीके से, रेलवेज और एसएससी जेई के मस्त तरीके के सेशंस के लिए मिलते हैं, मस्त तरीके का फाउंडेशन डेवलप करेंगे, और ये आपके एग्जाम में इस लेवल पे ऑपरेट करेगा कि आपको मजा आने वाला है. सर, बात ये आती है, जब रेलवेज का नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो आपने क्लास पहले से स्टार्ट क्यों करी? यार, मैं खुद रेलवेज में सिलेक्टेड हूँ, जेई में, मैं खुद एसएससी जेई सिलेक्टेड हूँ, मुझे ये पता है क्लियर कि एक बच्चे को समय कितना लगता है इसकी तैयारी करने के लिए. अगर नोटिफिकेशन आया और तब मैं अपनी क्लासेस ऑपरेट करता हूँ, तो इसका मतलब आई एम नॉट अ टीचर गाइस, आई एम जस्ट अ सिंपली कि भाई बच्चे को नोटिफिकेशन आ गया, बच्चे को पढ़ा दो, है ना, ऐसा. और अपनी एनर्जी पहले से क्यों वेस्ट कर रहे हो बेटा? हमेशा याद रखना, नोटिफिकेशन कब आएगा एग्जैक्टली वो तो किसी को नहीं पता, आएगा ये सबको पता है, लेकिन कुल मिलाकर तैयारी पहले से करेंगे तभी जाकर के वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगी. दैट वाज द रीजन वी हैव स्टार्टेड द आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई क्लासेस, राइट? एब्सोल्युटली राइट. चल तो भाई, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से. ओके. चलो आ जाओ. हमारे सारे विद्यार्थी आ गए, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, यही तो प्यार है तुम लोगों का. चलो आ जाओ. इन केस ऑफ ओवर डैम्पिंग द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम, अगर एक बेटा एक इंस्ट्रूमेंट को हम ओवर डैम्प्ड करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं ओवर डैम्प कर दूं, क्या मतलब होता है ओवर डैम्प का, जरा सुनना बेटा. एक इंस्ट्रूमेंट है, जरा सुनना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, सुनते जाना मेरी बात को, ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, जरा मेरी बात को सुनते जाना, ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, जरा मेरी बात को सुनते जाना, ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, मेरी बात को सुनते जाना, ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, मेरी बात को यहाँ पर सुनते जाना, ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, मेरी बात को यहाँ पर सुनते जाना, ये इस इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर है. अब क्या होता है कि यहाँ पर आप जरा सुनते जाना बात को, क्या होता है एक्चुअल में कि जब भी हमारा पॉइंटर है, माई राइट और रॉन्ग, एब्सोल्युटली. अब जब ये हमारा पॉइंटर है, जब हमारा ये पॉइंटर है, तो होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा. अगर सिस्टम बेटा मेरा ओवर डैम्प्ड है, तो जब भी मुझे मान लो कुछ भी वैल्यू पढ़नी है, और सिस्टम अगर कभी यहाँ पे मान लो मुझे ये वैल्यू पढ़नी थी, तो पॉइंटर जब यहाँ पे आता है ना, तो ये यहाँ पर क्या करने लगेगा, ऐसे देखो, आपने देखा होगा जब पॉइंटर उठ के जाता है, तो वो जिस पोजिशन को पढ़ना होता है वहां पर ऐसा करके ऑसिलेशन करता है. हाँ, तो अगर बेटा सिस्टम हमारा अंडर डैम्प्ड होगा, तो ये ऑसिलेशन ऐसे करेगा उस पॉइंट पर, धीरे धीरे आकर के वहां पर रुक जाएगा. लेकिन अगर सिस्टम हमारा ओवर डैम्प्ड होगा, तो ये पॉइंटर का ऑसिलेशन इधर जाएगा और बढ़ जाएगा, और बढ़ते बढ़ते, है ना, बहुत ही बेकार सिचुएशन तक पहुंच जाएगा. और वो बेकार सिचुएशन क्या होती है, बहुत स्लो एंड लिथार्जिक होती है. स्लो एंड क्या होती है, लिथार्जिक, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट जो है कुल मिलाकर के आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफी स्लो और लिथार्जिक हो जाता है, काफी स्लो हो जाता है, और बेटा क्या हो जाता है, लिथार्जिक हो जाता है. क्लियर है? चलो
आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट. एक नो लोड करंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या होता है? एक नो लोड करंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या होता है? तो बेटा एक नो लोड करंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के बारे में पूछा है. जिंदगी में याद रखना बेटा, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नो लोड करंट होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट और साथ ही साथ में एक और होता है जिसको बोलते हैं कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट. इन दोनों का क्या होता है बेटा? ये रिजल्टेंट होता है. इन दोनों का क्या होता है? ये रिजल्टेंट होता है. माय राइट और रॉन्ग? अरे ये क्या खुल गया भाई. इन दोनों का क्या होता है? ये रिजल्टेंट होता है. ठीक है, अब जरा देखना फेजर डायग्राम. जब हम बनाते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? ये हमारा होता है बेटा फ्लक्स और ये हमारा होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट. अब ये सप्लाई वोल्टेज लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज. अप्लाइड वोल्टेज कहां होता है? इन लाइन विद अप्लाइड वोल्टेज? नहीं. तो मैं आपको बताता हूं बेटा, अप्लाइड वोल्टेज जो है वो आपको कहां देखने को मिलता है? अप्लाइड वोल्टेज जो होता है हमारा वो या तो यहां देखने को मिलता है, ये कहलाता है हमारा सप्लाई वोल्टेज. क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेटा हमारा सप्लाई वोल्टेज. और जब ये हमारा सप्लाई वोल्टेज कहलाता है तो मैग्नेटाइजिंग करंट सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है. और बेटा ये कहलाता है हमारी वाइंडिंग का ईएमएफ. क्या कहलाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ. और इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करता है. हमेशा याद रखना बेटा, एक मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है, एक मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज से हमेशा 90 डिग्री लैग मारता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ से हमेशा 90 डिग्री लीड करता है. आज यहां पर बोला गया है अप्लाइड वोल्टेज. अप्लाइड वोल्टेज यानी कि सप्लाई वोल्टेज. तो सप्लाई वोल्टेज से हमेशा क्या करता है? लैग करता है. क्लियर? चलो और बेटा क्वेश्चन का ऐसा है दीपेश गौर, मैं एक चीज बोलूंगा, मेरे क्वेश्चन बेटा इंग्लिश हिंदी दोनों में रहते हैं. आज का तू बस ये कर ले, सालों साल से इंग्लिश हिंदी दोनों में चले आ रहे हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा. आज कंसिडर कर ले बस, कल से तुझे इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा. नो सुमन, पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? करे मत पढ़ाई करो. जिंदगी में जिस भी काम में मन ना लगे उसको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. फिर से सुनो, जिंदगी में किसी भी काम को अगर करने में मन ना लगे उसको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है. बिना मन के कोई कैसे काम करेगा भाई? एक इंसान है उसको मन लगता है कि उसको खेलना है तो खेलना चाहिए. एक इंसान उसको मन लगता है उसको पढ़ाई करना, उसको पढ़ाई करना चाहिए. एक इंसान उसको मन लगता है उसको घूमने जाना, मैं बोलता हूँ घूमने जाना चाहिए. एक इंसान उसको लगता है कि यार अभी क्लास अटेंड ना करके ना मुझे किसी से फोन पे बात करनी, तो मैं बोलूंगा क्लास आप लीव करके पहले फोन पे बात करो. आपका मन बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना मन के जिंदगी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए. बिना मन के थोड़ी करना चाहिए कोई काम. क्यों करना? जबरदस्ती करना है क्या? नहीं. अब आप बोलोगे नहीं सर फिर नौकरी कैसे लगेगी? क्यों? तो जितने लोग तैयारी करते उन्हीं की नौकरी लगती, बाकी लोग पैसा नहीं कमाते हैं. तो पैसा कमाना अलग चीज है, नौकरी करना अलग चीज, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखो. चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू न्यूट्रलाइज द फेरांटी इफेक्ट इन अ मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. एक मीडियम और एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करेंगे, एक बेटा मीडियम और एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें फेरांटी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो मैं आपको लिखता हूं बेटा, इन मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इन मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इन मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. हमेशा याद रखना, एक मीडियम और एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा याद रखना क्या याद रखोगे? एक मीडियम और एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में गाइस हमेशा याद रखना क्या याद रखोगे? तो आपको हमेशा याद रखना है एक मीडियम और एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या याद रखोगे? हमेशा याद रखो एक मीडियम और एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, जब जब आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का सेंडिंग एंड के वोल्टेज से ज्यादा हो जाए, जब जब आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा हो जाए तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस नेचर होता है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटिव नेचर होता है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटिव नेचर होता है वो ज्यादा हो जाता है आपकी ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टिव नेचर से. आपकी ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटिव नेचर ज्यादा हो जाता है आपकी ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टिव नेचर से. और जब जब आपका कैपेसिटिव नेचर आपकी ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टिव नेचर से ज्यादा हो जाता है तो हमेशा याद रखना, ज्यादा हो जाता है तो हमेशा याद रखना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको शंट रिएक्टर लगाना पड़ता है. क्या लगाना पड़ता है? शंट रिएक्टर लगाना पड़ता है. शंट रिएक्टर हमेशा बेटा रिसीविंग एंड पे लगता है. जैसे कि मान लो ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, अब ये मेरी अगर ट्रांसमिशन लाइन है, ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है तो ये हमेशा कहां लगता है? रिसीविंग एंड पे लगता है. कहां लगता है? रिसीविंग एंड पे लगता है. रिसीविंग एंड कहां पे? यहां पे. तो यहां पर हम लोग लगाते हैं बेटा शंट रिएक्टर. क्या लगाते हैं? शंट रिएक्टर लगाते हैं. और ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है,
यहाँ पर ये हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है और ये हमारा क्या है गाइस, सेंडिंग एंड करंट है। ये हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है और ये हमारा क्या है, रिसीविंग एंड करंट। ये हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है और ये हमारा क्या है, रिसीविंग एंड करंट। तो ये हमारा कहलाता है शंट रिएक्टर, और शंट रिएक्टर की वैल्यू हमेशा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कितनी होती है, बी अपॉन वन माइनस ए। सर ये बी अपॉन वन माइनस ए क्या होता है, बी अपॉन वन माइनस ए का मतलब होता है, बी अपॉन वन माइनस ए का क्या मतलब होता है, बी अपॉन वन माइनस ए का मतलब होता है बी मतलब ट्रांसमिशन लाइन का एबीसीडी पैरामीटर वाला बी, और ए मतलब ट्रांसमिशन लाइन का एबीसीडी पैरामीटर वाला ए। काउबेब क्या बोल दिया, अरे उस वाले क्वेश्चन में ये बोला है मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है वो इंड्यूस ईएमएफ से लीड करता है और सप्लाई वोल्टेज से लैग करता है। इतनी बात बोलिए, इंड्यूस ईएमएफ जो होता है मैग्नेटाइजिंग करंट से लैग करता है और सप्लाई वोल्टेज मैग्नेटाइजिंग करंट से लीड करता है। समझ में आ गया बात, ठीक। सीरीज कैपेसिटर क्या करता है, सीरीज कैपेसिटर आपकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी मतलब सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक जो पहले पावर जा रही थी, अगर आप सीरीज कैपेसिटर लगाते हो तो थोड़ी ज्यादा पावर जाने लगती है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। यस उमेश, ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द करंट इन 6 ओम रजिस्टर। हर्षाली मैं आपसे बात कर लूंगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है। फाइंड द करंट इन 6 ओम रजिस्टर, एक 6 ओम रजिस्टर के अंदर करंट कितना होगा कैलकुलेट करके बताएं। ये 6 ओम के अंदर करंट कितना होगा कैलकुलेट करके बताएं जल्दी। एक 6 ओम के अंदर कितना करंट होता है जल्दी बताएंगे, एक 6 ओम रजिस्टर में कितना करंट होगा जल्दी बताएंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। तो बेटा देख, यहां से जो कोई भी करंट आएगा सप्लाई से वो पूरा इधर चला जाएगा, कहां चला जाएगा इधर। कुछ भी करंट इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो कुछ भी करंट इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहां पर कुछ भी करंट नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ जीरो एम्पीयर रहेगा। क्यों, इसलिए जीरो एम्पीयर रहेगा मेरे लाल, क्योंकि आप देखोगे बेटा ये शॉर्ट कर देगा ये इसको, तो जो कुछ करंट है वो इसी में चला जाएगा। अब इसमें कितना करंट जाएगा, तो 20/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एम्पीयर। कितना हो जाएगा, 5 एम्पीयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर कितना है, 0 एम्पीयर। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये 0 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थेविनिन वोल्टेज एंड रजिस्टर इन द गिवन सर्किट आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो थेविनिन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस कितना होगा, थेविनिन वोल्टेज और रजिस्टर कैलकुलेट करना है आपको सर्किट के अंदर। थेविनिन वोल्टेज और रजिस्टर आपको सर्किट के अंदर कैलकुलेट करना है जल्दी बताएंगे। थेविनिन वोल्टेज एंड रजिस्टर कैलकुलेट करना है जल्दी बताओ। थेविनिन वोल्टेज एंड रजिस्टर कैलकुलेट करना है जल्दी बताओ। ये हमारे पास यहाँ पर थेविनिन वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ये थेविनिन वोल्टेज हमारा है VOC, और ये हमारे पास कितना है 24 मिली एम्पियर, 24 मिली एम्पियर है। ये हमारे पास कितना है 24 मिली एम्पियर है, 24 मिली एम्पियर है। ये हमारा 24 मिली एम्पियर है, और ये हमारा 24 अगर मिली एम्पियर है, ये हमारा VOC है। तो कैलकुलेट करना जल्दी से, कैसे कैलकुलेट करते हैं थेविनिन वोल्टेज जल्दी बोलो। पहले थेविनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा थेविनिन रेजिस्टेंस कितना होगा आपको पता होना चाहिए, थेविनिन रेजिस्टेंस कितना होगा यहां से देखना चालू करना है। तो बेटा ये ओपन हो जाएगा, हाँ, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। 7 और 3 पैरेलल में कितने हो जाएंगे, 3 पैरेलल 7, कितना निकल के आ जाएगा ये 2.1 किलो ओम। कितना आ जाएगा ये, 2.1 किलो ओम। क्लियर हो गई बात, 2.1 किलो ओम आ जाएगा, हाँ सर। अब आता है वोल्टेज। तो वोल्टेज की जब भी हम बात करने जाएंगे तो यार एक काम करते हैं, पहले तो इन दोनों को ना अपन क्या करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं। इन दोनों का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं। जब इन दोनों का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये करंट इंटू वोल्टेज कितना हो जाएगा, मिली से किलो कैंसिल हो जाएगा, तो 24 × 6। तो 24 × 6 कितना हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 24 × 6 कितना हो जाएगा। 24 × 6 की अगर हम बात करने जाएंगे तो 24 × 6 कितना हो जाएगा, 120। 1 2 3 4 5 6 120, और 4 6 कितना हो जाएगा, अबे वोल्टेज कितना हो जाएगा, 24 × 6, गुड, तो 144 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 वोल्ट। इसके बाद ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 किलो ओम। और यहां पर आपके पास पहले से 3 किलो ओम है, यहां पर आपके पास पहले से 3 किलो ओम है। अब आपको यहीं पर तो आपको निकालना था VOC या फिर थेविनिन। तो अब आप यहां पे क्या कर सकते हो यार, दिमाग लगाओ हल्का सा। ये 144 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होगा या नहीं होगा, हाँ सर। तो इसके पास कितना वोल्टेज आएगा, इसके पास कितना वोल्टेज आएगा, इसके पास जो वोल्टेज आएगा वो निकालना है। तो थेविनिन वोल्टेज कितना आ जाएगा गाइस, 144 × 3, वोल्टेज डिवाइड रूल लगा दिया, डिवाइड बाय 7 + 3, ये कितना आ जाएगा, 144 × 0.3।
तो 144 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये 3/10 0.3 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो 144 का 33% कितना होता है, 144 का 33% कितना होता है, तो ये होता है कितना 43.2 मिली वोल्ट, मत बोलना ना वोल्टेज में आएगा, मिली वोल्ट मत बोलना वोल्ट में आएगा, मिली से मिली, मिली से किलो पहले ही कैंसिल हो गया था तो याद कर वोल्ट में आएगा, ठीक है। चलो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43.2 वोल्ट एंड 2.1 किलो, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट बेटा, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज मेड फोर टाइम्स द फोर्स बिटवीन देम, जब दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो है उसको हम चार गुना कर देंगे तो उनके बीच की फोर्स क्या हो जाएगी, जब दो चार्ज के बीच का सेपरेशन चार गुना कर दूंगा तो उनके बीच की फोर्स कितनी हो जाएगी। तो बेटा ये कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि ये एक आवेश है Q1 Q2, ये दो आवेश हैं, दो चार्ज हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखा है हमने d, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। अब जो इनके बीच में एक फोर्स लगती है, इनके बीच में जो एक फोर्स लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हमारी बेटा फोर्स होती है, ये हमारी क्या होती है फोर्स होती है। अब ये हमारी जो होती है बेटा वो क्या होती है फोर्स होती है। अब आप अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दोगे चार गुना कर दोगे राइट, तो अगर मुझे मैंने डिस्टेंस को चार गुना कर दिया यानी कि डिस्टेंस जो है वो फोर टाइम्स कर दिया, तो डिस्टेंस जो है हमारा वो फोर टाइम्स अगर हमने कर दिया तो डिस्टेंस हमारा फोर टाइम्स हो गया, और डिस्टेंस जब हमारा फोर टाइम्स हो गया तो फोर का स्क्वायर हो गया, फोर का स्क्वायर 16 होता है, तो फोर्स हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, फोर्स हमारी डिक्रीज हो जाएगी, कितनी डिक्रीज बाय 16 टाइम्स, तो हमारी फोर्स जो होगी वो 16 गुना क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो फोर्स मेरे लाल 16 गुना क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, बहुत बढ़िया, डिक्रीजेस 16 टाइम्स, ठीक है बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट बेटा, मैं एक ही चीज बोलता हूं लाइफ में, हमेशा याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है लाइफ में ना, एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर आप जिंदगी भर आप मन में ये लोग मन में ये सोच लोगे कि यार मेरे पास ना मैं खुश हूं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। चीजें अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, अभी आप प्रिपरेशन के मोड में हो, बहुत सारी चीजें आपके मन में अप एंड डाउन है, जब आपका पेपर अच्छा चला जाता है तो आपको लगता है कि मेरा पेपर कितना अच्छा चला गया यार, चलो मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, आप कट ऑफ ढूंढने लगते हो, ठीक है, यही इमोशन सेंटीमेंट्स है। जब आपका रिजल्ट आता है बहुत बार तो सिलेक्शन हो भी जाता है तो वो भी खुशी है, लेकिन बहुत बार क्या होता है रिजल्ट में मान लो नहीं हो पाता एक दो नंबर से तो वो एक दुख होता है, वो दुख 10-15 दिन तक आपके दिमाग में रहता है। इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये आपकी लाइफ और सबकी लाइफ ना ऐसी चल रही है, ठीक है, सबकी लाइफ ऐसी चल रही है, ये ध्यान रखना, कभी आप यहाँ पहुंचते हो तो अचानक से यहाँ भी पहुंचते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि वापस से ये पॉइंट आने वाला है, ये ध्यान रखना वापस से ये पॉइंट भी आएगा, वापस से याद रखना ये पॉइंट भी आएगा, वापस से याद रखना ये पॉइंट भी आएगा, यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था ये ध्यान रखना, और तुम यहाँ पे ऊपर चले जाओगे ये भी ध्यान रखना। लेकिन अगर तुमने मन में ये सोच लिया कि अरे मैं तो यहीं पे खड़ा हूं मेरा जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तुम इस पॉइंट का वेट ही नहीं कर रहे हो, तो तुम इस पॉइंट पे बहुत समय तक खड़े रहोगे, और जब तुम इस पॉइंट पे बहुत समय तक खड़े रहोगे तो ध्यान रखना, ठीक है, बहुत समय तक खड़े रहोगे तो दिक्कत का काम है, तुम ये सोचो कि ये आएगा तो ये अपने आप आने वाला है, आगे यही रास्ता है, ये ध्यान रखना, और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये जर्नी कब खत्म हो गई लाइफ। अरे एक बात बताओ यार, अभी कितने साल की हो, 20 से 25 के बीच में है सब, कुछ छोड़े 25 से 30 के बीच में भी होंगे, यही रेंज है सबकी, हाँ कितना जीवन बचा हुआ है, हाँ अबे हमारा जीवन तो फास्ट फूड वाला है ना, हमारा कोई ज्यादा थोड़ी ना है, वो तो हमारे जो पेरेंट्स थे और उनके जो पेरेंट्स थे उनका जीवन ज्यादा था, उन्होंने बहुत अच्छी डाइट ली है, हमारी डाइट तो वही फास्ट फूड वाली निपटी है बहुत सी, तो है ना, तो हमारा जीवन तो ये वैसे भी यहाँ से लेकर के मैक्स टू मैक्स 60 का ही है। अब आप बोलोगे सर मैं तो नहीं सोचता, मैं तो नहीं सोचती ऐसा, मैं तो 100 का सोचता हूँ, अभी आज की डेट में एज एवरेज एज कम ही है ना, तो बचा कितना 30 ही तो बचा है, ऑन एवरेज 30 ही तो बचा है, 30 को अच्छे से एंजॉय करो बस, खत्म है जीवन और क्या। अब तुम 30 में भी ये सोचोगे कि यार सर ये मेरे जीवन में चल रहा है मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तुम समझ लो 10 इसी में भी निकल सकते हो यहीं के, फिर तुम्हारे पास आगे का जीवन बचने के लिए 20 ही बचेंगे, लेकिन अगर तुम सोचोगे कि नहीं ये पॉइंट भी आएगा तो ये आएगा ये आएगा ये आएगा, ऐसे करते करते चलो पता भी नहीं चलेगा 30 साल कब हो जाएगा। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया था, मुझे ऐसा लगता है मैंने अभी पढ़ाना चालू किया है, जब मैं बैक एंड पे देखता हूं तो मुझे लगता है यार मेरे को 7 साल कंप्लीट हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 7 साल मुझे ये पता ही नहीं जर्नी 7 साल की गई कहां, और हर दिन मैं ऐसे खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, कभी 8 घंटे कभी 10 घंटे कभी 12 घंटे कभी 13 घंटे कभी 10 घंटे कभी 12 घंटे, हर दिन ये चल रहा है, मुझे खुद नहीं पता ये 7 साल गए कहां लाइफ के, ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो बिफोर लॉकडाउन आफ्टर लॉकडाउन कोई डे ऐसा नहीं है फर्क पड़ा हो कि कुछ हुआ होगा, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं, तो बस यही है
है ना, पता नहीं चलता आपको कि कब क्या हो जाएगा, ध्यान रखो इस चीज को। चलो तो अपने काम पे फोकस करो, अपने आप पता चल जाएगा ठीक है कि क्या करना है और क्या नहीं करना और कैसे करना। सोचो ही मत कुछ क्या चल रहा है जीवन में, क्या नहीं चल रहा है, चलते चलो सब हो जाएगा। चलो, एरर दैट अकर आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ग्रॉस एंड सिस्टमेटिक एरर इज कॉल्ड। वो कौन सी बेटा त्रुटियां हैं, वो कौन सी हमारी त्रुटियां हैं, वो कौन सी, बहुत बार बच्चे ना अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। मैं बोलता हूँ क्यों सोच रहा भैया इतना, है ना, खाना तेरे को दाल रोटी ही है, सब्जी ही है, फिर काहे को सोचता है इतना। नॉन वेज भी खाता होगा तो रोज सुबह शाम तो खा नहीं पाएगा, है चार दिन खा जाएगा, पांचवें दिन क्या बोलेगा कि नहीं यार दिक्कत हो गई जीवन में कुछ, है ना। तो कोई भी चीज की एक लिमिट ही है। घूमने भी जाएगा तो मान ले बहुत घूम लिया, एक दिन खुद ही बोलेगा अरे कौन जाए यार, आराम से सोते हैं। समझ में आ रही है ना बात को क्या बोल रहा हूं? तो हर चीज की एक लिमिट है, है ना। तो कोई भी चीज अति में नहीं कर पाओगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा चलने तो सब कुछ सही है। डीडीजेई का इलेक्ट्रिकल का मैराथन कल आएगा, डीडीजेई का इलेक्ट्रिकल का मैराथन कल आएगा। चलो, एरर डेट अकर्स आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ग्रॉस एंड सिस्टमेटिक एरर इज कॉल्ड। सारे ग्रॉस और सिस्टमेटिक एरर को ले लोगे तो ऐसी एरर्स को क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर मतलब आपको पता है, सिस्टमेटिक एरर मतलब पता है आपको, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रैंडम एरर। मतलब भैया कुल मिला के ऐसी एरर्स, है ना, कुल मिला के ऐसी एरर जिसके अंदर सब कुछ आ गया, ग्रॉस सिस्टमेटिक सब कुछ आ गया, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भैया ये एरर आ किस रही है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसको बोलते हैं रैंडम एरर। ध्यान रखना, एक डीसी सीरीज मोटर की अगर हम बात करेंगे, रेशियो ऑफ बैक ईएमएफ टू सप्लाई वोल्टेज क्या इंडिकेट करता है? एक डीसी सीरीज मोटर में रेशियो ऑफ बैक ईएमएफ टू सप्लाई वोल्टेज क्या इंडिकेट करता है? एक डीसी सीरीज मोटर में रेशियो ऑफ बैक ईएमएफ टू सप्लाई वोल्टेज क्या इंडिकेट करता है? एक डीसी सीरीज मोटर में रेशियो ऑफ बैक ईएमएफ टू सप्लाई वोल्टेज क्या इंडिकेट करता है? जल्दी बोलो, बैक ईएमएफ टू सप्लाई वोल्टेज क्या इंडिकेट करता है? बैक ईएमएफ टू सप्लाई वोल्टेज क्या इंडिकेट करता है? मोटर लिखा है ना, डीसी सीरीज मोटर इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन क्या होता है बेटा ये? अच्छा चलो, ये तो हो गया डीसी सीरीज मोटर, ये क्या इंडिकेट करता है? अब एक काम करो, ऊपर नीचे आर्मेचर करंट मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, ऊपर भी आर्मेचर करंट, नीचे भी आर्मेचर करंट, मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो, ऊपर हो जाएगा ईबी इंटू आई ए और नीचे हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज इंटू आई ए। ऊपर बेटा क्या है पता है? ऊपर है तुम्हारी आउटपुट पावर और नीचे पता है क्या है? नीचे तुम्हारी है इनपुट पावर। ऊपर तुम्हारी है आउटपुट पावर और नीचे तुम्हारी क्या है? इनपुट पावर। ऊपर है तुम्हारी आउटपुट पावर और नीचे तुम्हारी इनपुट पावर है, और इसी को क्या बोला जाता है? परसेंटेज एफिशिएंसी। इसी को क्या बोला जाता है? परसेंटेज एफिशिएंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परसेंटेज एफिशिएंसी बोला जाता है, समझे? कुछ बच्चे कुछ और लगा रहे होंगे, इसको क्या बोलते हैं बेटा? परसेंटेज एफिशिएंसी बोलते हैं। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन एन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक ईएमएफ इंड्यूस में क्या डिफरेंस होता है? जल्दी बोलेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक ईएमएफ इंड्यूस में डिफरेंस क्या है? क्या दोनों सेम होते हैं? हाँ, ईएमएफ जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस टू पॉइंट, ईएमएफ इज द वोल्टेज मेजर्ड इन ओपन सर्किट एंड देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द लोड इज कनेक्टेड, पोटेंशियल डिफरेंस इज हायर देन। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता कि दोनों सेम है, और ऐसा भी कुछ नहीं होता कि दोनों में से कोई एक ज्यादा है कोई एक कम है। क्लियर? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज EMF बेटा एक वोल्टेज मेजर होता है ओपन सर्किट के दौरान। जब भी आपको कहीं ओपन सर्किट देखना हो या कहीं पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा हो, अचानक से आ रहा हो, ओपन सर्किट के अक्रॉस आता है, उसको EMF बोलते हैं। और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब आपका एक लोड कनेक्ट होता है परमानेंटली, जैसे ये लोड है, अब इसमें से लोड में से करंट जा रहा है, तो हम बोल देते हैं भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इसके दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसके दोनों पॉइंट के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बेसिकली है वो हमेशा लोड के कनेक्ट होने से या करंट के फ्लो होने की वजह से किसी एलिमेंट के अंदर आता है, बट ईएमएफ हमेशा प्रेरित होता है ओपन सर्किट की कंडीशन। ठीक है, ध्यान रखो। चलिए, पॉइंट लॉ किसको बोला जाता है? पॉइंट लॉ, ये आपका पॉइंट है, और पॉइंट लॉ किसको बोला जाता है जल्दी बताएंगे? पॉइंट लॉ किसको बोला जाता है? ये पॉइंट और पॉइंट लॉ किसको बोला जाता है जल्दी बताएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट लॉ? What do you mean by point law? जल्दी बोलेंगे, point law क्या है? Point law क्या है जल्दी बोलेंगे? तो point law क्या है यार? Junction, node
और जंक्शन नोड की बात करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो किस में आ जाएगा बेटा, किरचॉफ का करंट लॉ। तो जंक्शन नोड की जब भी बात करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो किस में आ जाएगा, किरचॉफ का करंट लॉ यानी कि जंक्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम, इनमें से कौन सी थ्योरम ऐसी है जिसको हम अप्लाई करते हैं एनी नेटवर्क लीनियर और नॉन लीनियर, एक्टिव और पैसिव, टाइम वेरिएंट और इन टाइम इन वेरिएंट। तो कौन सी थ्योरम है जिसको हम अप्लाई करते हैं, कौन सी थ्योरम है बेटा जिसको हम अप्लाई करते हैं, तो एनी नेटवर्क लीनियर और नॉन लीनियर, एक्टिव और पैसिव, टाइम वेरिएंट और इन वेरिएंट। तो सब जगह अप्लाइड है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, एक्टिव है, पैसिव है, टाइम वेरिएंट और टाइम इन वेरिएंट है। जल्दी बोलो, जल्दी कौन सी थ्योरम है जो एप्लीकेबल है, लीनियर नेटवर्क लीनियर नॉन लीनियर भी, एक्टिव पैसिव भी है, टाइम वेरिएंट भी है, टाइम इनवेरिएंट भी है। तो ऐसी थ्योरम को क्या बोलते हैं बेटा, टेलीगेंस थ्योरम। टेलीगेंस थ्योरम क्या होती है, टेलीगेंस थ्योरम बोलती है किसी भी सर्किट के अंदर टोटल पावर जो होती है वो जीरो होती है, यानी कि एब्जॉर्ब्ड पावर इक्वल टू होती है कंज्यूम्ड पावर। एब्जॉर्ब्ड पावर इक्वल टू क्या होता है, कंज्यूम्ड पावर होता है, और टोटल पावर किसी भी सर्किट के अंदर जीरो होती है। और याद रखना ये हमेशा एप्लीकेबल होती है किसी के लिए भी, चाहे आपका बेसिकली क्या होना चाहिए, चाहे आपका नेटवर्क लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो या पैसिव हो, टाइम वेरिएंट हो या टाइम इनवेरिएंट हो, डजंट मैटर। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वाइंडिंग के रेशियो पर डिपेंड करता है, आउटपुट की पोलैरिटी पर डिपेंड करता है, डीसी वोल्टेज लेवल पर करता है, या करंट के चेंजेस पर डिपेंड करता है। कुल मिला के म्यूचुअल इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है भैया, तो म्यूचुअल इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है, दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन कब होगा, दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन कब होगा, दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन कब होगा, दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन कब पॉसिबल है, दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन कब पॉसिबल है, दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन कब पॉसिबल है। म्यूचुअल इंडक्शन तभी पॉसिबल होता है बेटा जब करंट में चेंज होता है, यानी कि जब हमारी कॉइल के अंदर यहां पर, जब हमारी कॉइल के अंदर यहां पर करंट में चेंज होगा, जब हमारी कॉइल के अंदर यहां पे करंट में चेंज होगा, करंट बढ़ेगा या घटेगा, तो हमारा क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी तो अपने आप म्यूचुअल इंडक्शन होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट। क्रेस्ट फैक्टर यानी कि होता है बेटा पीक फैक्टर, और पीक फैक्टर किसी ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स का किसका रेशियो होता है, तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है बेटा, इसका पीक फैक्टर जो होता है वो किसका रेशियो है, तो पीक फैक्टर किसका रेशियो, मैं यार अब पीक फैक्टर लिखा है तो वैल्यू में मैक्सिमम तो आएगा ही आएगा, अगर पीक फैक्टर लिखा है तो रेशियो में कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे मैक्सिमम तो आएगा। अब मैक्सिमम अपॉन आरएमएस, आरएमएस अपॉन मैक्सिमम, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम अपॉन एवरेज वैल्यू, तो ये तो होगा नहीं, मैक्सिमम तो आएगा ही आएगा। और अगर मैक्सिमम आएगा ही आएगा इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखना पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो याद रखना यार इसकी पीक वैल्यू ये होती है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, लेट सपोज ये वोल्टेज है तो पीक वैल्यू, और डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू हमेशा, और क्रेस्ट फैक्टर हमेशा क्या होता है बेटा, लेस देन वन ही होता है, ध्यान रखना ये कभी भी वन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्लियर, ये कभी भी वन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो, क्रेस्ट फैक्टर वन से ज्यादा होता है, वन से कम। आयुष हो जाएगा, आज नहीं होगा उनका क्लास कल से, आज नहीं उनका क्लास कल से हो, और संडे को मैराथन भी होगा उनका। वन से ज्यादा होगा कि वन से कम, अरे वन से ज्यादा होगा या वन से कम, देखो यार पयश ऐसा है आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, क्या ना बोलने वाला ऑनलाइन दुनिया में कुछ भी बोलेगा, इनको समझाने का वैसा कुछ होता नहीं है ना, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चैट बंद कर दो, आपको चैट देखने की जरूरत क्या है, सिंपल है ना, सिंपल है ना, ना तो आप वहां से बैठे बैठे कुछ कर सकते हो, ना मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ, ना ये यूट्यूब कुछ कर पाएगा, इससे बेस्ट है आप चैट बंद कर दो। किसी भी बच्चे को चैट से अगर दिक्कत होती है तो चैट बंद कर दो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है तो बेटा हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो कि पीक बाय आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, पीक बाय आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन वन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। When measuring power with an electrodynamometer, wattmeter in a circuit having a low power factor, जब भी हम बात करते हैं when measuring power with an electrodynamometer, wattmeter in a circuit having a low power factor, तो जल्दी बात याद रखना, पावर अगर मेजर करना है EDM से एक सर्किट में जिसका लो पावर फैक्टर है, पावर मेजर करना है EDM से एक सर्किट में जिसका लो पावर फैक्टर है, द करंट कॉइल शुड बी कनेक्टेड ऑन लोड साइड, देखो भाई
दो तरीके से हम लोग लगाते हैं, एक तो होता है वॉट मीटर बनाना है ना, तो सबसे पहले करंट कॉइल यहाँ लगा दी और पोटेंशियल कॉइल यहाँ लगा दी, ये पोटेंशियल कॉइल है ठीक है, और ये लोड लगा दिया, एक तरीका तो ये होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि पहले पोटेंशियल कॉइल लगा दी, फिर करंट कॉइल लगा दी और फिर लोड लगा दिया, एक दूसरा तरीका ये होता है ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है। ये आपकी करंट कॉइल है बेटा और ये आपकी पोटेंशियल कॉइल है और ये आपका लोड है, ये आपका लोड है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, करंट कॉइल है, ये पोटेंशियल कॉइल है और ये क्या है, सप्लाई, ये भी क्या है आपका सप्लाई। अब देखो करंट कॉइल सप्लाई साइड, पोटेंशियल कॉइल लोड साइड, पोटेंशियल कॉइल सप्लाई साइड, करंट कॉइल लोड साइड, ये दोनों कनेक्शन वॉट मीटर के पॉसिबल होते हैं और बेटा इसी को बोला जाता है वॉट मीटर, ये वॉट मीटर है और इसी को बोला जाता है वॉट मीटर, ये भी वॉट मीटर, ये दोनों वॉट मीटर है। अब आपको बोला जा रहा है करंट कॉइल को, अगर आपको मान लीजिए लो पावर फैक्टर सर्किट में चाहिए तो कहां लगाया जाता है, जब लो पावर फैक्टर सर्किट में लगाते हैं तो कंपनसेटेड वॉट मीटर विद प्रेशर कॉइल कनेक्टेड टू द लोड साइड शुड बी यूज्ड। तो कुल मिलाकर कंपनसेटेड वॉट मीटर विद प्रेशर कॉइल कनेक्टेड टू द लोड साइड, यानी कि बेटा ये वाला सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं जब लो पावर फैक्टर मीटर यूज करते हैं, और साथ ही में इसमें कंपनसेटेड कॉइल भी लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, कंपनसेटेड कॉइल भी लगाया जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है यार, ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि बेटा अगर फंक्शन की बात कर रहे हो कम्यूटेटर की, वो भी डीसी जनरेटर में, तो डीसी जनरेटर में एक ही काम होता है, क्या डीसी जनरेटर का काम होता है भैया, क्या करना है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ब्रश पे ले जाके कुल मिलाकर के एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम होता है, और डीसी मोटर में होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम, तो दोनों में काम अलग अलग है। तो टू कन्वर्ट एक अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, टू कलेक्ट द करंट जनरेटेड इन आर्मेचर कंडक्टर, टू इंक्रीज या टू इंक्रीज एम्पियर टर्न्स इन द फील्ड, तो करेक्ट आंसर हो जाता है कि कन्वर्ट करना है अल्टरनेटिंग करंट को एक डायरेक्ट करंट में, यही हमारा काम होता है, ध्यान रखिएगा। एक बार दिल से सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और क्रॉस द लाइक टू 90, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एकदम भाई एनर्जी हाई होनी चाहिए सेशन के अंदर, जल्दी क्रॉस द लाइक टू 90, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गजब लेवल पे लेके चलना जल्दी फास्ट। यही हमारा प्यार है गाइस, वो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वी आर क्रॉसिंग द 2 लाख फैमिली, जल्दी 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 फटाफट फास्ट, बहुत बढ़िया, क्या बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर गिव्स, एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर हमको क्या देता है, एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर हमको क्या देता है, एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर हमको क्या प्रोवाइड करता है, 2 लाख में समोसा पार्टी, फैक्ट कल या परसों से बेटा, सर आप हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन करो ना, कुमार साहू बेटा हर दिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, सॉरी फॉर दैट, आज केवल इंग्लिश में है, थोड़ा सा टाइपिंग की वजह से इशू आ गया था है ना, और आपकी क्लास चालू होने वाली थी, चिंता मत कर, हर दिन इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है, मैं इन सब चीजों का ध्यान रखता हूँ ठीक है। चलिए तो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर हम लोग क्या देता है बेटा, तो जब भी हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की बात करेंगे, जब भी हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की बात करेंगे, तो एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर हमको क्या प्रोवाइड करता है, एक तो हाई टॉर्क प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में लो एंगुलर रेजोल्यूशन देता है, एक हाई टॉर्क होती है और लो एंगुलर रेजोल्यूशन होता है। परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की अगर हम बात करें, एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की अगर हम बात करेंगे तो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में हाई टॉर्क होती है और लो एंगुलर रेजोल्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा लो एंगुलर रेजोल्यूशन। एट लीडिंग पावर फैक्टर द आर्मेचर फ्लक्स इन एन अल्टरनेटर, एट लीडिंग पावर फैक्टर की हम बात करेंगे तो आर्मेचर फ्लक्स जो होता है, एट लीडिंग पावर फैक्टर जो आर्मेचर फ्लक्स होता है अल्टरनेटर में वो कितना होता है, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में आर्मेचर फ्लक्स हमारा जनरेटर में कितना होता है, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में आर्मेचर फ्लक्स हमारा जनरेटर में क्या होता है, जल्दी बोलो यार। तो यार आर्मेचर फ्लक्स बताना है लीडिंग पावर फैक्टर में, तो लीडिंग पावर फैक्टर में आर्मेचर फ्लक्स क्या होगा, जल्दी बोलो, लीडिंग पावर फैक्टर में आर्मेचर फ्लक्स क्या होगा, जल्दी बोलो, गुड। तो बेटा लीडिंग पावर फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, सारे बच्चे जानते हो कि लीडिंग पावर फैक्टर के केस में हमारा है ना, अगर सपोज बेटा मैं जनरेटर हूं,
अगर मैं जनरेटर हूँ और मैंने देखा कि यार मैं ना लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा हूँ, तो अगर बेटा मैं जनरेटर हूँ और मैं लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर इसका मतलब मेरे पास जो लोड लगा हुआ है आज, उस लोड के नेचर, उस लोड का जो नेचर है वो बाय डिफॉल्ट कैसा है, तो आज उस लोड का जो नेचर है, तो वह मैं आपको बताना चाहूंगा। उस लोड का जो नेचर है बाय डिफॉल्ट, आज हमारे उस लोड का जो नेचर है वो किस तरीके का है, तो हमारे जो लोड का नेचर है वो बेसिकली किस तरीके का है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। हमारे लोड का जो नेचर है वो बेसिकली कैसा है, वो है आज कैपेसिटिव नेचर। अब कैपेसिटिव लोड हमेशा क्या करता है, रिएक्टिव पावर देता है। तो अब वो मुझे रिएक्टिव पावर दे रहा है, मैं जनरेटर हूं, मैं उससे रिएक्टिव पावर ले रहा हूं। दुनिया में कोई चीज तभी किसी से लेता है जब अपने पास कमी हो, तो डेफिनेटली आज मेरे पास एयर गैप में फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, और वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है, वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है यानी कि मेरा सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट मतलब होता है मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर फ्लक्स क्या करता है, एड करता है द रोटर फ्लक्स यानी कि फील्ड फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर। यस बनी, चलिए नेक्स्ट। MPPGCIL की क्लास कब से लेंगे? MPPGCIL की क्लास रोज तो चल रही है बेटा, रात को 10 से 11 नहीं चलती क्या रात को MPPGCIL की क्लास 10 से 11? MPPGCIL की क्लास रात को इंडिया की सबसे बड़ी रोज चलती है या नहीं चलती, ये बता दो। भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल की क्लास रात को 10 से 11 चलती है MPPGCIL की या नहीं? चलो, इन केस ऑफ बस बार फॉल्ट, बस जोन रिले इज, अगर हम एक बस बार फॉल्ट की बात करेंगे तो बस जोन रिले मस्ट ट्रिप ऑल द ब्रेकर कनेक्टेड टू द बस, मस्ट गिव एन अलार्म फॉर द बस फॉल्ट, मस्ट ट्रिप वन ब्रेकर कनेक्टेड टू द बस, या नन ऑफ द अबव। इन केस ऑफ बस बार फॉल्ट, जब हम एक बस बार फॉल्ट की बात करते हैं तो हमारा जो बस जोन रिले होता है वो क्या होता है, तो बस बार फॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो बस जोन रिले क्या होता है? टाइम चेंज कर दीजिए, टाइम तो बेटा आदित्य उसका चेंज नहीं हो पाएगा कभी जिंदगी में, मतलब टाइम ऐसा है कि उसका चेंज हो ही नहीं सकता, पूरे दिन भर में उसके अलावा कोई और दूसरा टाइम ही अवेलेबल नहीं है, यही दिक्कत है ना, तो पॉसिबल नहीं है, या नहीं तो कर देता। इन केस ऑफ बस बार फॉल्ट, बस जोन रिले जो होती है बेटा वो क्या होती है, मस्ट ट्रिप। यार बस बार फॉल्ट के केस में जो हमारी बस जोन रिले होती है ना, वो सारे सर्किट ब्रेकर्स को ट्रिप करती है जितने भी बस से कनेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जो भी हमारा बस बार होता है बेटा उससे सारे अल्टरनेटर्स कनेक्टेड होते हैं और बहुत सारे सर्किट ब्रेकर्स भी कनेक्ट होते हैं, और सारे सर्किट ब्रेकर्स को एक साथ ट्रिप करने का काम होता है बस जोन रिले का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिले होती है पूरे बस बार के प्रोटेक्शन के लिए, और ये सारे सर्किट ब्रेकर्स को एक साथ ट्रिप करती है, ये ध्यान रखिएगा। जब आपको प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे बताऊंगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट, ये एक तरीके का क्वेश्चन है जो रेलवे हमेशा पूछता है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, आरआरबी के फेवरेट क्वेश्चन है इस तरीके के, जो फैक्चुअल डेटा पूछते हैं। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर गेट की तैयारी कर ले, आरआरबी जेई निकल जाएगा, निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। गेट की तैयारी में ये नहीं आता, ईएस की तैयारी में ये नहीं आता, इसके लिए याद करने के लिए इसी को पढ़ना पड़ता है। और जब 12-15 क्वेश्चन ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग के देखेंगे ना, तो वहां पे हाथ पैर फूल जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इन पीवीसी वाटरप्रूफ केबल मेथड डैश वायर इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम सर्विस पोल टू आई स्क्रू बोल्ट फिक्स्ड इनटू वॉल, जल्दी बताएंगे फास्ट। चलिए, मतलब आपका ना एस्टिमेशन कॉस्टिंग का फैक्चुअल डेटा तो बहुत सारा है, लेकिन कितना पढ़ना है ना ये मेरे को पता है, कहां से पढ़ना है ये मेरे को पता है। इन सारी चीजों के इन्वॉल्व में रहोगे ना तो जेई के पेपर को बहुत अच्छा करके आओगे लाइफ में हमेशा। चलो, एक पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की वाटरप्रूफ केबल है, मेथड कौन से वायर को स्ट्रेच किया जाता है फ्रॉम सर्विस पोल टू आई स्क्रू बोल्ट फिक्स्ड इनटू द वॉल, तो कौन सा कराया जाता है गाइस, हमेशा 8SWG। SWG मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, कौन सा होता है गाइस, स्टैंडर्ड वायर गेज वायर को नापने का तरीका है भारत के अंदर, और है ना, और GI मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, तो 8SWG के वायर की जरूरत पड़ती है, ध्यान रख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द कलर ऑफ लाइट ऑफ मर्करी वेपर लैंप, मर्करी वेपर लैंप का कलर कौन सा होता है लाइट का, जल्दी बताएंगे। मर्करी वेपर लैंप के लाइट का कलर कौन सा होता है, जल्दी बताओ। मर्करी वेपर SSCJ कब निकलेगा, SSCJ आ चुका है, कौन सी दुनिया में हो, अक्टूबर में पेपर है, SSCJ आ चुका है, कौन सी दुनिया में हो, अक्टूबर में पेपर है, 1500 पोस्ट आएंगी, उसमें से 1000 बच्चों का पहले से सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि वो बच्चे कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं जब से नोटिफिकेशन के बारे में पता चला था, 500 बच्चे अभी भी रेस में है, ठीक है। अगले महीने तक 100 और कंप्लीट हो जाएंगे, उसके महीने अगले और 100 कंप्लीट हो जाएंगे, मई तक पूरे 1500 जो बच्चे होंगे वो फुल्ली फाइनली पता चल जाएगा, पेपर तो अक्टूबर में होता है लेकिन रिजल्ट उसके 4 महीने पहले ही बन जाता है, क्योंकि उतने बच्चे वैसे ही मेहनत कर चुके होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से पिकअप करो अपने आप को। द
कलर ऑफ लाइट ऑफ मर्करी वेपर लैंप इज, एक मर्करी वेपर लैंप की अगर हम लाइट के कलर की बात करें तो वो ग्रीनिश ब्लू कलर की होती है. क्या होती है? ग्रीनिश ब्लू कलर की. ध्यान रखिएगा कौन सा कलर होता है बेटा? ग्रीनिश ब्लू कलर. बेल्ट कन्वेयर क्या ऑफर करते हैं? बेल्ट कन्वेयर क्या ऑफर करते हैं? ये बेल्ट कन्वेयर जो होते हैं वो क्या ऑफर करते हैं? बेल्ट कन्वेयर क्या ऑफर करते हैं? क्या होते हैं बेल्ट कन्वेयर? आप लोगों ने देखा है जब मेटल डिटेक्टर में आप ट्रेन व्रेन में जाते हो, कहीं पर मेटल डिटेक्टर में आप लोग देखते हो, आप अपना यहाँ पे सामान रख देते हो, आप अपना बैग रखते हो, ये बैग आपका, ये नीचे वाला जो ये चलता जाता है, ये बेल्ट बना रहता है पूरा का पूरा. ये बेल्ट बेटा पूरा पूरा ऐसा गोल गोल घूमता रहता है, आपका सामान ऐसे जाता है, यहाँ से आप उठा लेते हो, यहाँ से आपका सामान जाता है, यहाँ से आप उठा लेते हो. तो ये बेल्ट कन्वेयर जो होता है आपको वो कौन सी टॉर्क प्रोवाइड करता है? ये बेल्ट कन्वेयर आपको कौन सी टॉर्क प्रोवाइड करता है? ये बेल्ट कन्वेयर हमेशा बेटा आपको कौन सी टॉर्क प्रोवाइड करता है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क. क्यों? अभी मान लो ये बेल्ट खाली था, अचानक से 10-15 लोग आए, 10-15 आंटी जी आई, अचानक से उन्होंने इतना सारा सामान रख दिया इसके ऊपर. तो यहाँ पे जो पुलिस वाले भैया बैठे थे वो भी देख रहे थे, वो बोलते रहे आराम से रखो आराम से रखो. उन्होंने 15-20 बैग यहाँ रख दिए, फिर भी बेल्ट को चलना पड़ता. तो अचानक से बेल्ट पे भी कुछ है नहीं, लेकिन अचानक से लोड आ जाए तो उस लोड को हैंडल करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड हाई स्टार्टिंग टॉर्क. The number of equations required to analyze in a given network by nodal analysis is equal to. तो याद रखना number of equation अगर हमको निकालना है. अंकल क्यों नहीं आए सर? इसका concept अगली क्लास में बताऊंगा. चलो. The number of equation required to be analyzed in a given network by nodal analysis is equal to. जल्दी बोलें. जल्दी. The number of equation required to be analyzed in a given network by nodal analysis is equal to. Nodal analysis के माध्यम से number of equations को analysis करना है. Nodal analysis के माध्यम से number of equation को analysis करना है. और number of equation को जब आपको analysis करना है nodal equation के माध्यम से, number of equations को आपको analysis करना है nodal equation के माध्यम से, तो आपको बताना है कितनी चाहिए पड़ेंगी. तो बेटा मान लो हमारे पास total nodes हमारे पास है n. तो जो इक्वेशन हमको लगती है वो लगती है हमेशा n माइनस वन. तो टोटल नोड n है और इक्वेशन कितनी लगती है? n माइनस वन, लेस देन द टोटल नंबर ऑफ नोड्स. एक नोड से जितने नोड उससे एक इक्वेशन कम हमको लगती है. ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज मेरे पास क्या जा रहा है वो सुनना. गुड न्यूज बेटा ये है कि आप सभी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपने हमेशा से भारत में मुझे देखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हुए. एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना. अब से आप लोगों को एक या दो दिन के अंदर अंदर मेरा साइंस भी देखने को मिलेगा. और मैं वादा करता हूं जिस लेवल पे मैंने आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देश के अंदर हर भारत के एक बच्चे को अचीव कर दिया, वैसा मैं साइंस को भी निपटा दूंगा फॉर एसएससी जेई आरआरबी जेई एएलपीएन सीनियर सेक्शन इंजीनियर. राइट, चलिए डीडीए का मैराथन सैटरडे को होगा. अच्छा कल का बता देता हूँ भाई, कल सैटरडे संडे, सॉरी कल नहीं कल तो फ्राइडे है ना, कल बताऊंगा. चलो एनीवेज कल बताऊंगा. अब गाइस इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आते हो, क्लियर, इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है बेटा AJEE इलेक्ट्रिकल. जब आप AJEE इलेक्ट्रिकल पे लिंक पर क्लिक करते हो तो देखो ये वही बच्चे सुनना जो जनरली चाहते हैं पढ़ाई करना, है ना, वही बच्चे सुनना. तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपको क्या मिलता है. सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को यहाँ पे मेरा SSC JEE का बैच मिलता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यूट्यूब की मेरी जो क्लासेस है वो आपको केक का क्रीम प्रोवाइड करेंगे, कभी अलग फ्लेवर कभी अलग फ्लेवर, लेकिन जो केक की ब्रेड है वो यहाँ पर मिलेगी आपको. दोनों चीजें जब एक साथ मिलती है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो. देन रेलवे का मेरा बैच आपको गाइज यहाँ पर मिल रहा है. रिसेंटली MPPGCL का एग्जाम आया, वो बैच भी आपको यहाँ पे मिल रहा है. रिसेंटली अगर हम बात करें तो नॉन टेक्निकल का बैच भी आपको इसी सब्सक्रिप्शन में मिलता है, अदर भागना नहीं पड़ता. देन अगर हम बात करें स्टेट के जो स्पेसिफिक जीके होते हैं, जैसे कि तेलंगाना हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, और या हरियाणा हो गया, इन सारे स्टेट में इन स्टेट के जीके भी पूछे जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलता है. चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको करंट अफेयर्स का गाइस लाइव बैच यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है. इन सारी चीजों के अलावा पर्टिकुलरली मेरी मेंटरशिप के अलावा निम्बस लर्निंग, इंजीनियर्स अकेडमी, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म जैसे सारे इंस्टीट्यूट के कॉन्टेंट बैचेस भी अब आपको यहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं. देन गाइस इतनी सारी चीजें जब आपको एक साथ मिलती है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होता. रेगुलर डाउट क्लासेस मिलती है, रेगुलर PYQ सेशन आपको लाइव मिलते हैं, हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर इंक्लूडेड है. देन अगर हम बात करें तो बेटा इसका प्राइस जो है वो सिर्फ 6 महीने के लिए, 3 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ, सिर्फ 4619 का है. और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई कर देते हो, द नेम ऑफ दैट कूपन कोड इज मोहित के, तो इसकी प्राइस और कम हो जाती है. और जब ये और कम हो जाती है तो ये सिर्फ 4289 हो जाती है.
अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, द नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इज मोहित कासन्या सर टेस्ट बुक, मोहित कासन्या सर टेस्ट बुक SIRNTEST। तो सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लेना एक बार यार, ताकि सारी चीजें आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। चलिए सर, कल आपको कुछ पूछे थे या दीपक भाई पूछिए, अब किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिए भाई। सतुल सर का क्लास दिख रही नहीं रहे, टाटा JET की आंसर की कहां गई, गई घर उसके, और पूछिए, और पूछिए डाउट। तो यश देखो यार, यहाँ पर ऐसा होता ना बेटा, क्या होता ना बहुत बार ना कुछ जेन्युइन डाउट होते हैं, अब मैं मुंडी करके नीचे जब पढ़ने जाता हूँ ना तो कुछ डाउट जेन्युइनली होते हैं, तो यार थोड़ा थोड़ा धक्का देखना पड़ता है, लेकिन हाँ उस चीज को मैं कंट्रोल करके चलता हूँ, उसका लोड मत ले तू, है ना। 100 में से ऐसे में केवल 10 ही पढ़ता हूँ, 90 गायब कर देता हूँ, उसका तू लोड मत ले, तभी क्लास अपनी कंटिन्यूएशन में चलती है, उसका लोड मत ले तू। परमानेंट मैग्नेट का स्टेप एंगल लो इसलिए होता है क्योंकि बाकी की जो हाइब्रिड होती है वो होती है, उनके स्टेप एंगल के रिजोल्यूशन ज्यादा होते हैं, उनके कंपैरेटिवली परमानेंट मैग्नेट का स्टेप एंगल लो होता है। यस दीपक भाई, अगर आप अभी MPBGCL के अंदर एक मैं लाइव रिविजन बैच लेके आ रहा हूं, और ना वो थोड़ा सा ऑथेंटिक होगा, वहां थ्योरी होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली चाहो तो ले लो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ भाई बनी, बस साइंस का टाइमिंग अभी डिसाइडेड नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली कल परसों तक हो जाएगा। देख ऐसा होता है आदित्य, साइंस का टाइमिंग केवल मेरे अकेले के ऊपर डिपेंड नहीं करता, RRB ALP की और भी फैकल्टीज क्लास लेंगे तो उनके टाइमिंग उनका कहीं क्लैशिंग इधर उधर से मतलब नहीं होता, तो उसके बाद प्रोजेक्शन होता है यार, है ना, तो उसके बाद एक प्रोजेक्शन होता है। डेटाबेस क्यों पूछा जाता है DDAJEE में, DDAJEE में सारी चीजें पूछी जाती है, तो वो भी चीजें पूछी जाएगी यार, है ना, तो वो भी चीजें पूछी जाएंगी। मतलब क्यों पूछा जाता है, मतलब क्या होता है बेटा, वो तो है सिलेबस में तो पूछा जाता है, मतलब आप ऐसा सोचते हो कि सबका सिलेबस एक जैसा हो जाए तो पॉसिबल नहीं ना, सब अपने अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, है ना, अपने अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, क्यों पूछा जाता है इसका कोई रीजन नहीं है बेटा। मेरा मैसेज नहीं दिखता, तथागत भाई आपका मैसेज दिखता है, आपकी चीजें हो जाएंगी, मत लोड लो यार, टीम इज वर्किंग ऑन दैट, रोज एक ही बात करेगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। फाउंडेशन सीरीज फॉर SSC JEE, भैया ये क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है बेटा, ये देख इस क्लास का नाम देख क्या लिखा हुआ है, RRB JEE SSC JEE इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन में, जिस क्लास में तू खड़ा वही है ये, जिस क्लास में तू खड़ा है ये वही है और कुछ नहीं है। कितने बजे से सर रिवीजन क्लास ले रहे हो, रिवीजन क्लास एक या दो दिन में चालू हो जाएगी, आज डिसाइड करके टेलीग्राम पे शाम को डाल दूंगा। अर्चाली आपको मेरे से बात करनी है, 7:30 पे बात करते हैं आज, ठीक है। चलो तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में, चलो तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइज।